अस्सलाम वालेकुम, आप मुलाजम हमारे हैं वॉइस ऑफ राइट्स सीकर और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकीर। ओके नाज़रीन, ख़बरें ज़ाहिर है बजट के हवाले से तो बात होनी ही है, और आपको इल्म में है कि KPK ने सबसे पहले बजट देने में पहल कर दी, लेकिन सीखवा हो गई अवाम वहाँ की, मुलाजमीन वहाँ के, पेंशनर्स वहाँ के, क्योंकि इजाफा जो है वो मामूली था और हमने इस इजाफे को मज़ाक़ा खेज़ करार दिया था। और फिर एम्प्लाइज़ ने बड़ा मुत्तहिद होकर एहतजाज किया और इस एहतजाज का मस्बत रिज़ल्ट आया कि सूबाई हुकूमत ने ये यकीन दहानी करवा दी है कि वफाकी हुकूमत के बजट के मुताबिक इजाफा होगा, बल्कि उससे शायद ज़्यादा ही हो। मिसाल के तौर पर अगर 25% है तो 26% इजाफा होगा। इसके अलावा कुछ और ख़बरें भी हैं, लेकिन सबसे पहले हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान अपना केस जीत चुकी है, यानी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सॉरी पेंशनर्स हजरात, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। वो तो मामला चल रहा है, लेकिन पेंशन एक्शन कमेटी की तरफ से एक मामला हम जो है वो आपके सामने पेश करते हैं। और ये मामला क्या है, सेक्रेटरी जनरल जो है पेंशनर्स एक्शन कमेटी के, उनका खत है जो लिखा गया है मोहम्मद उमैर बहादुर, लिक्विडेटर नेशनल ईस्ट इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेकंड फ्लोर, PECH सोसाइटी, तारिक रोड, कराची। इसमें उन्होंने ये लिखा है कि नेशनल ईस्ट इंश्योरेंस लिमिटेड के नाम से बैंक इंतजामिया ने स्टाफ को 1000 शेयर फी कस के हिसाब से शेयर सर्टिफिकेट, तारीख इजरा 30 सितंबर 2011, सर्टिफिकेट की फ़ोटो कापी लफ़ जारी किए। कंपनी और बैंक इंतजामिया की इस सिलसिले में तवील मुद्दत तक खामोशी के बाद पेंशनर्स एक्शन कमेटी लाहौर, कराची, कोयटा और हैदराबाद के साथियों ने 7 अक्टूबर 2021 में डायरेक्टर जनरल साहब FIA इस्लामाबाद को शिकायत इरसाल की, जिस पर चारों शहरों में इंक्वायरियाँ हुई और मौका 29 दिसंबर 2022 को शेयर की प्रिंसिपल वैल्यू मुबलिक 10,000 रुपये फ़ी के हिसाब से 90% शेयर होल्डर्स के अकाउंट्स में क्रेडिट कर दी गई। तकरीबन 14 साल के बाद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टाफ वेलफेयर फंड बैंक के क्लैरिकल, नॉन क्लैरिकल, लीगल ऑफिसर्स और एग्जेक्टिव बेनेविलेंट फंड, फर्स्ट पेंशन फंड से ये तमाम रकूम टोटल 500 मिलियन नेशनल ईस्ट इंश्योरेंस लिमिटेड को मुंतकिल की गई, और ये रकम तकरीबन 14 साल कंपनी मस्कूरा की तहवील में रहते हुए कंपनी के ज़ेरे इस्तेमाल रही। मज़ीद बरा इस तमाम पीरियड के दौरान बैंक स्टाफ का ये खतीर सरमाया कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुआ, कहाँ क्या कमाया, कहाँ कहाँ खर्च किया और कितनी रकम मुतल्लिका अकाउंट्स यानी ग्रुप इंश्योरेंस, बेनेविलेंट फंड, पेंशनर फंड और वेलफेयर फंड को वापस की गई। अब नेशनल ईस्ट इंश्योरेंस लिमिटेड को शेयर होल्डर्स की इजाज़त के बगैर किस इख्तियार के तहत तहलील किया गया है, इन तमाम सवालों के जवाब के साथ साथ और आप अपने वादे के मुताबिक तकरीबन 14 साल का प्रॉफिट भी अदा करें। और नाज़रीन, इस वक्त इस पोस्ट की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि नेशनल बैंक के पास, शायद मैनेजमेंट के पास कुछ मसाइल हैं माली, इसी वजह से वो पेंशनर्स का हक रोक कर बैठे हैं। तो ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात हो गई। कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं, लेकिन मैं ये यहाँ वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि कमेंट्स जो हैं वो हफ्ते में आप कमेंट्स करें बिस्मिल्लाह शौक से, लेकिन इनके हम जवाबात के लिए हफ्ते का एक दिन मखसूस किया हुआ है, और हफ्ते के एक दिन में हम इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चन जो आंसरेबल होंगे वो हम आपकी खिदमत पेश कर दिया करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि फेडरल बजट में कितने परसेंट इजाफा होगा। ज़्यादा लोग ये 35% का इजाफ़ा कह रहे हैं, लेकिन अगर आपने एक माह पहले या 20 दिन पहले हमारी वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई हो तो हमने ये कहा था कि एक बात तो यकीनी है कि जो
रिटायरमेंट की उम्र है, माली मसाइल की वजह से शायद उसमें इजाफा होगा। तो अब यही बात जो है वो सुनने में आ रही है, हमने आपको बताया था कि 2 साल का इजाफा, अब 2 साल से भी जायद के इजाफे पर बात हो रही है, लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। जैसे ही कोई हतमी फैसला होगा हम आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। और यहाँ आके हम EOBI की भी ज़रा बात कर लें। एक साहब कमेंट में ये लिख रहे थे, बड़ी बात उनकी वैलिड थी, कि ये पेंशनर हजरात जो हैं गवर्नमेंट के ये बहुत शोर मचा रहे हैं कि हमारा इजाफा कम है। तो वो कह रहे थे कि इनका 10% इजाफा भी जो अगर हमारा 25-30% इजाफा हो उसकी निस्बत जो है ना वो ज़्यादा ही होगा। बात उनकी दुरुस्त है, दरअसल फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है जब तफरीक होती है और जो तकसीम है उसमें डंडी मारी जाती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अपने वसाइल के अंदर रहते हुए IMF को से मुकम्मल तौर पर मरहूब हुए बगैर उनकी ज़रूरी बातें ज़रूर माननी चाहिए जिससे इकोनॉमी को कुछ फ़ायदा होता है, लेकिन नॉट ओवर द राइट्स ऑफ ओप्रेस्ड एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स। और EOBI के हवाले से दूसरी बात हम ये करना चाहें, जैसे कि हमने नेशनल बैंक की बात की है इंश्योरेंस की, तो एक सहारा इंश्योरेंस भी होती थी EOBI के, कि वो किधर गई उसका भी आज तक कोई पता नहीं। तो अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा करे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपकी अपनी बात है, हम हकूक़ के मतलाशी लोगों की आवाज़ हैं, तो आप सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को क्लिक भी करें और अपनी राय से ज़रूर नवाजें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।